Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our assignment 14, that is noun number. First of all, I read this box, so please listen it carefully. First, when we speak of only one thing, the noun is said to be in the singular number. ये आपको पता है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन किसे कहते हैं, क्योंकि हम नाउन भी पढ़ चुके हैं और सिंगुलर प्लूरल भी पढ़ चुके हैं. अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल, बॉय, ट्री, बॉक्स, फ्लावर एक्सेट्रा. सेकंड इज व्हेन वी स्पीक ऑफ मोर देन वन थिंग द नाउन इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर. एक से ज़्यादा नाउन यानी कि किसी चीज़ जगह की हम बात करते हैं या किसी एनिमल बर्ड की बात करते हैं तो उसे प्लूरल कहते हैं, जैसे कि बॉयज, ट्रीज, बॉक्सेस, फ्लावर्स एक्सेट्रा. अब देखिए ऊपर जो सिंगुलर नंबर है उसमें हम एक बॉय की बात कर रहे हैं और प्लूरल में बॉयज़ यानी कि बहुत सारे. वैसे ही ट्री तो ट्रीज, बॉक्स तो बॉक्सेस, एक बॉक्स की बात होती है सिंगुलर में, पर जब हम एक से ज़्यादा बॉक्स की बात करें तो हो जाएगा बॉक्सेस, फ्लावर तो फ्लावर्स एक्सेट्रा. बिलो आर गिवन सम वेज ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल नंबर. अब यहाँ पर नीचे कुछ प्लूरल नंबर्स के रूल्स दिए गए हैं कि किसे हम सिंगुलर में से प्लूरल करेंगे तो उसका प्लूरल क्या होगा. फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द नाउन्स टेक एस टू फॉर्म देयर प्लूरल. ज़्यादातर जो नाउन्स होते हैं उसमें पीछे एस ऐड करने से वो सिंगुलर में से प्लूरल हो जाता है. फॉर एग्जांपल हैंड तो उसका हो जाता है हैंड्स, फिर बुक का बुक्स पीछे एस लगाने से, फिर डोर तो डोर्स, काउस तो काउस एक्सेट्रा. बट इफ़ द नाउन्स एंड इन एस, एक्स, एच एस, ओ आर, सी एच, ये सारे जो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 आप यहाँ पर देख सकते हैं. आपके पास बुक है तो आपको उसे भी ड्यूरिंग द वीडियो ओपन रखना है. देखिए एस, एक्स, एस एच, ओ आर, सी एस, दे टेक्स ई एस टू फ्रॉम देयर प्लूरल. अब कोई भी नाउन जब एस, एक्स, एच एस, ओ आर या सी एच से एंड होता है तो उसके पीछे प्लूरल बनाने के लिए ई एस यूज़ होता है. यहाँ पर एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे कि ग्लास का हो जाएगा ग्लासेस क्योंकि पीछे एस है. फिर एक्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल देखते हैं तो उसमें बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस, बस का बसेस, यहाँ पर देखिए एस एच है बूस में तो बुसेस हो जाएगा. फिर बेंच में सी एच है तो आ जाएगा बेंचेस, पीछे ई एस लगेगा. सेकेंड इज मोस्ट ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन ओ टेक्स ई एस फ्रॉम देयर प्लूरल. कोई भी नाउन अगर ओ से एंड होता है तो उसके पीछे भी ई एस एड होगा, जैसे कि बफेलोज तो बफेलोज, फिर इको तो इकोज, मैंगो तो मैंगोसिस, इस तरह ओ से होगा तो भी पीछे ई एस एड होगा. थर्ड वन इज नाउन्स एंडिंग इन y प्रिसिस्ट बाय अ कॉन्सोनेंट. यानी कि कोई भी जो नाउन होता है वो y से एंड होता है और y के आगे कॉन्सोनेंट हो तो फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग y into i. तो अब हमें क्या करना है, y को रिमूव करके i लगाना है एंड एंडिंग ई एस. अब एडिंग क्या करना है, i के पीछे ई एस, यानी कि y को हटाकर i करना है और उसमें पीछे ई एस ऐड करना है. देखिए यहाँ पर एग्जांपल है बेबी, अब नाउन है वो वाई से एंड होता है और आगे कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वॉवल नहीं है, तो यहाँ पर वाई को रिमूव करके हमें बी के पीछे आई लगाना है और पीछे ई एस, तो बेबी का हो जाएगा बेबीज़. उसी तरह सिटी में से भी वाई रिमूव करके आई लगाना है और पीछे ई एस, तो सिटी का हो जाएगा सिटीज़, लेडी का लेडीज. इसी तरह करना है जब वाई हो और उसके आगे कॉन्सोनेंट हो. फोर्थ इज मैनी नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई. कई नाउन ऐसे होते हैं जो एफ और एफ ई से ख़त्म होते हैं तो फॉर्म दैट प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी.
अब एफ या एफ ई हो तो उसे हमें वी में कन्वर्ट करना है एंड एडिंग ई एस, और फिर उसके पीछे ई एस लगाना है। देखिए यहाँ पर थीफ है तो हमें एफ रिमूव करके वहाँ वी लगाना है और पीछे ई एस, तो थीफ का हो जाएगा थीव्स, वाइफ का वाइव्स, लॉफ का लोव्स, इस तरह बनेंगे। और एक्सेप्शंस यानी कि कई ऐसे स्पेलिंग होते हैं जिसमें पीछे एफ आता है पर हमें पीछे सिर्फ एस इंक्लूड करना है, ये आपको याद रख देना है क्योंकि ये कभी रेयर केस में ही ऐसा होता है। यहाँ पर ऐसे 6 एग्जांपल है, चीफ तो उसका चीव्स नहीं होगा चीफ्स होगा, गर्ल्फ तो गर्ल्स होगा, ड्राफ्ट तो ड्राफ्ट, प्रूफ तो प्रूफ्स, रूफ तो रूफ्स, बिलीफ यानी कि धारणा तो धारणाएं यानी कि पीछे एस ही लगाना है। ये 6 आपको याद रख देने हैं क्योंकि हमें उसमें एफ या एफ ई हटा के वी बनाकर ई एस ऐड नहीं करना, सिर्फ एस लगाना है पीछे, ठीक है। फिफ्थ वन इज अ फ्यू नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग देयर इंटरनल वॉवल्स। अब जो भी नाउन होते हैं उसके अंदर जो वॉवल होते हैं वो ही इंटरनली यानी कि अंदरों अंदर चेंज होते हैं। जैसे कि देखिए मैन है तो उसका एम ई एन हो जाएगा जब हम प्लूरल करेंगे, सिंगुलर में एम एन आता है तो प्लूरल में एम ई एन होगा, वॉवल चेंज हुआ है ए में से ई। फूट का फीट यानी कि जो दोनों ओ वॉवल है उसको ई वॉवल में चेंज कर देना है, इंटरनली वॉवल चेंज होंगे। फिर माउस का आपको याद रखना है माइस हो जाएगा, टूथ में क्या होगा ओ हटाकर डबल ई कर देना है जब हम प्लूरल की बात करें, टूथ का हो जाएगा टीथ, गूस का गीस, इस तरह होंगे। सिक्स्थ वन इज अ फ्यू नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एन टू द सिंगुलर। जैसे कि ऑक्स हो तो हमें पीछे ई एन ऐड करके ऑक्सन करना है, चाइल्ड हो तो पीछे भी हमें आर लगाकर ई एन करना है तो हो जाएगा चिल्ड्रन। ये आपको जो 6 तक थे वो याद रख देने हैं। अब 7 और 8 भी देख लेते हैं और वो भी याद रखते हैं। सम नाउन्स आर अलाइक इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स एज शिप, डियर, गोस, सॉरी ग्रॉस एक्सेट्रा, तो ये ऐसे ही रहेंगे सिंगुलर हो या प्लूरल। 8th वन इज कंपाउंड नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ब मेन वर्ड्स एस। देखिए यहाँ पर सन्स सन इन लो है तो उसका प्लूरल क्या होगा, सन्स इन लो होगा, यहाँ पर सन इन लोस नहीं होगा, सन्स इन लो होगा। इसमें कंपाउंड यानी कंपाउंड नाउन यानी कि एक से ज़्यादा नाउन एक ही वर्ड में होते हैं उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो सन इन लो का सन्स इन लो, स्टेप सन का स्टेप सन्स, पासर बाय का हो जाएगा पासर्स बाय, फूट मैन का आपको पता है मैन को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो एम एन को हम एम ई एन कर देंगे तो यहाँ पर फुट मैन होगा। प्रोनंसिएशन में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्पेलिंग में चेंज होगा। फिर मेड सर्वेंट तो उसका हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। द वर्ड्स अंडरलाइन आर द मेन वर्ड्स इन द अबोव कंपाउंड नाउन्स। यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए नाउन्स है कंपाउंड नाउन्स में वो उसके मेन वर्ड है, या जैसे कि मेड सर्वेंट में सर्वेंट मेड मेन है उसे हमें प्लूरल करना है तो वो पूरा प्लूरल हो जाएगा, जैसे कि मेड सर्वेंट से मेड सर्वेंट्स। फिर सन इन लो में से सन्स इन लो, अंडरलाइन वर्ड है वो मेन वर्ड है कंपाउंड नाउन के, ये आपको याद रखना है। और ये जो 8 रूल्स है वो भी आपको याद रख लेने हैं। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1, टर्न द सेंटेंसेस इनटू प्लूरल नंबर। जैसे कि हमें सेंटेंस में सिंगुलर दिया गया है उसे हम प्लूरल में चेंज करेंगे, ठीक है। हिज टूथ इज एकिंग यानी कि टूथ एक सिंगुलर है तो उसका प्लूरल क्या होगा, आपको पता है इंटरनल वॉवल चेंज होंगे तो हिज टीथ आर एकिंग आ जाएगा। सेकेंड वन इज ही सन इन लो रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता। तो हमने लास्ट 8th वाले रूल में ही देखा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सन्स इन लो हो जाएगा, तो हिज सन्स इन लो रिटर्न फ्रॉम दी कलकत्ता।
थर्ड वन इज एन ऑक्स वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड. अब ऑक्स एक है यानी कि बैल, तो हमें उसको प्लूरल बनाना है. अब आप देख सकते हैं कि जब भी सिंगुलर नाउन होता है तो उसके आगे आर्टिकल लगता है, तो यहाँ पर एन आर्टिकल है, पर अब हम उसको प्लूरल करेंगे तो आर्टिकल रिमूव हो जाएगा, तो सेंटेंस स्टार्ट होगा ऑक्सन. अब आपको पता है वॉज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, पर हमें यहाँ पर प्लूरल करना है तो आ जाएगा वो ऑक्सन वर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स आ जाएगा. अब फील्ड का भी प्लूरल करेंगे तो फील्ड्स हो जाएगा, तो ऑक्सन वर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, इस तरह सेंटेंस बनेगा. फोर्थ वन इज आई बॉट अ लॉफ ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड के पीस, तो अब हमें उसके ब्रेड के पीसेस करने हैं, तो आई बॉट लॉफ्स ऑफ ब्रेड. ये लॉफ और लॉव्स वाला एग्जाम्पल हमें दिया गया था वो फोर्थ वाले रूल में, जब हम एफ और ई एफ को कन्वर्ट करते हैं वी लिख के और पीछे ई एस एड करके. एंड द लास्ट इज अ मंकी सेट ऑन द रूफ. अब यहाँ पर भी हमें आर्टिकल रिमूव करना है क्योंकि मंकीज होगा. अब हमने यहाँ पर वाई रिमूव करके आई ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आगे वॉवेल है, तो हमें पीछे सिर्फ वाई के पीछे एस ही ऐड करना है, तो होगा मंकीज सेट ऑन द रूफ्स. रूफ यानी कि छत, तो यहाँ पर छतें बनानी है इसलिए आ जाएगा रूफ्स. हमने सिंगुलर में से प्लूरल किया है तो क्या किया है, आर्टिकल रिमूव किया है, मंकी के पीछे एस लगाया है और रूफ के पीछे भी एस लगाया है, तो हमारा प्लूरल सेंटेंस हो गया मंकी सेट ऑन द रूफ्स. यहाँ पर आपको याद रखना है एफ के पीछे भी एस लगाना है, जो हमने आगे ही एक्सप्लेनेशन में देख लिया है. सिक्स्थ वन इज आई मेट अ लेडी नियर माई स्कूल. अब हमें उसको प्लूरल करना है, तो आपको पता है कि आई मेट तो ऐसे ही रहेगा, लेडी का हमें लेडीज करना है. अब देखिए वाई के पीछे वॉवल नहीं, वाई के आगे वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है डी, तो हमें वहाँ पर क्या करना है, वाई को रिमूव करना है, वहाँ पर आई लगाकर पीछे ई एस ऐड कर देना है, तो लेडी का प्लूरल होगा लेडीज. आई मेट लेडीज नियर माई स्कूल, इस तरह सेंटेंस बनेगा. हमें यहाँ पर माई स्कूल का माई स्कूल ही रखना है क्योंकि हमारी एक ही स्कूल होती है, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, उसका प्लूरल नहीं होगा. सेवेंथ वन इज द पोटैटो इज अ रूट, यानी कि उसमें मूड होते हैं, ठीक है, यानी कि जड़ें होती हैं, तो यहाँ पर पोटैटो है पीछे ओ है, तो ये हमने देख लिया था कि ओ से एंड होता है तो पीछे ई एस लगाना है, तो द पोटैटोज आर रूट्स कर देना है, ठीक है. एट्थ वन इज अ वॉशरमैन इज अ हार्ड वर्कर. तो अब हमें पता है कि सिंगुलर में आगे आर्टिकल है, तो यहाँ पर ए आर्टिकल रिमूव कर देना है और हमें वॉशरमैन लिखना है. अब आपको पता है कि मैन में से जब हम प्लूरल करते हैं तो मैन ही प्रोनंसिएशन होगा, पर सिर्फ वॉवेल चेंज होगा, एम एन में से एम ई एन करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, तो वॉशरमैन. अब ईज आपको पता है सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हमें आर कर देना है, तो वॉशरमैन आर. अब फिर से प्लूरल करेंगे इसलिए आर्टिकल निकाल देना है, तो आएगा हार्ड वर्कर्स. एक वर्कर की बात नहीं है, बहुत सारे वर्कर की बात है, इसलिए पीछे आएगा एस, तो वॉशरमैन आर हार्ड वर्कर्स, इस तरह सेंटेंस बनेगा. नाइन्थ वन इज अ माउस स्क्वीक्स, यानी कि चींची करना, तो यहाँ पर जो माइस है वो चींची कर रहे हैं, तो यहाँ पर माउस का हो जाएगा माइस, इसलिए आर्टिकल भी निकल जाएगा, तो माइस स्क्वीक आएगा. अब ये आपको मैं बोल दूं कि स्क्वीक में से एस क्यों निकाल दिया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा है कि जब हम ही शी इट के बारे में बात करते हैं तो पीछे हम एस लगाते हैं, पर यहाँ पर हम प्लूरल कर देंगे तो उसका प्लूरल फॉर्म करेंगे तब पीछे से एस निकल जाएगा, इसलिए माइस स्क्वीक आएगा, ठीक है. टेंथ वन इज दिस नाइफ इज नॉट शार्प, तो यहाँ पर दिस जो है वो टी एच आई एस सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो हम उसे प्लूरल करना है, तो आएगा टी एच ई एस ई,
तो दीज नाइफ्स हो जाएगा। ये हमने एफ वाले रूल में देखा था कि एफ ई निकाल के हमें वहाँ पर वी लगाना है और पीछे ई एस ऐड कर देना है, तो आएगा दीज नाइफ्स। अब बहुत सारे नाइफ्स है तो यहाँ पर इज निकाल के हमें आर लगाना है, तो दीज नाइफ्स आर नॉट शार्प, इस तरह सेंटेंस बनेगा। लास्ट वन इज द वॉल्फ चेज द थीफ, तो यहाँ पर हमें एफ वाला रूल ही लागू होगा, तो यहाँ पर हमें द फिर एफ रिमूव करके वी लगाना है और पीछे ई एस ऐड करना है, द वॉल्फ चेज द, अगेन यहाँ पर एफ है तो क्या करना है, वी ऐड करके पीछे ई एस लगा देना है, तो आ जाएगा थीव्स, थीफ का हो जाएगा थीव्स, द वॉल्फ चेज द थीव्स, इस तरह सेंटेंस बनेगा। आज हमने जो ये एक्सरसाइज की है उससे आपको हमारी जो जनरल इंग्लिश कोर्स ग्रामर की बुक है उसमें फील कर लेना है और जो रूल्स है वो भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप ये वर्क कंप्लीट कर लीजिए। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस।